आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग एक एपिसोड 16 शिवधनुष। पिछले एपिसोड में विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषिगण मिथिला पहुंचे और वहां राजपुरोहित शतानंद ने विश्वामित्र जी का पूरा वृत्तांत सुनाया। अगले दिन विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण उनका वह प्रसिद्ध शिवधनुष देखना चाहेंगे। दृष्टुकामो धनुश्रेष्ठम। जनक बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस शिवधनुष के बारे में कुछ बताता हूं। ये परम मूल्यवान धनुष धनुरत्नम भगवान शिव जी का था। महाराज देवरात के समय से यह हमारे कुल में रहा है। मेरी एक लाडली बेटी है सीता। कई वर्ष पहले एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हल चला रहा था, तब मैंने इसे पाया। इसीलिए इसका नाम सीता रखा, जिसका अर्थ है हल द्वारा खींची गई रेखा। जब वो बड़ी हुई तब इसके विवाह से संबंधित कई प्रस्ताव आए, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि इससे विवाह करने का अधिकार उसी को होगा जो सर्वोच्च पराक्रम और पुरुषार्थ दर्शाए। विवाह की इच्छा रखने वाले सभी राजाओं ने पूछा कि इसके लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तब मैंने उनके सामने शिव जी का यह धनुष रख दिया, परंतु वे सब इसे उठाने या हिलाने में भी असमर्थ रहे। और फिर आत्मानमवधूतम ते विज्ञाय नृपपुंगवाह रोषेण महताविष्टाह पीड़यन मिथिलां पुरीम। मेरे द्वारा तिरस्कार हुआ मानकर वे बड़े क्रोधित हुए। उनके पराक्रम के विषय में संदेह उत्पन्न हुआ था, वीर्य संदेहम आगताह। उन्होंने मिलकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। घेरा एक वर्ष तक टिका रहा, लेकिन अंततः मैंने उन्हें पराजित किया। तो ये है कथा इस शिवधनुष की। अब मैं इसे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाता हूं। राजा जनक की विद्वत्ता का कई बार उल्लेख होता है, लेकिन वे महापराक्रमी भी थे। एकजुट हुए सारे विरोधी राजाओं को उन्होंने परास्त किया। शिवधनुष दिखाते समय उनके मन की अवस्था कैसी हुई होगी? वे अपनी बेटी के लिए योग्य वर तो ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक शिवधनुष दिखाने पर हर बार उन्हें निराशा ही हुई थी। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को वो दिव्य धनुष लाने की आज्ञा दी। वो धनुष 8 पहिए वाली लोहे की एक बहुत बड़ी संदूक में लाया गया, मंजूषाम अष्टचक्राम। श्री राम ने संदूक को खोला और लीलया सधनुर्मध्ये जग्राह, उस धनुष को बीच में पकड़कर सहजता से उठा लिया। आरोपयत सधर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः, और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उन्होंने ज्यों ही उस प्रत्यंचा को कान तक खींचा, त्यों ही वो धनुष बीच से ही टूट गया। टूटने की आवाज इतनी भयानक थी मानो कोई वज्रपात हुआ हो या भूकंप आया हो। महाराज जनक परम हर्षित हुए और बोले, महादेव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना एक अद्भुत और अचिंत्य घटना आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, विश्वास नहीं होता। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, प्राणैर बहुमता। मैं चाहता हूं कि उसका विवाह श्री राम के साथ हो। लेकिन मैंने तो सुना था सीता जी का स्वयंवर हुआ था। कई अन्य राजा इस स्वयंवर में असफल रहे और अंत में श्री राम भरी सभा में आगे बढ़े और उन्होंने अपना पराक्रम दर्शाया। आपने तो स्वयंवर की बात ही नहीं की। वाल्मीकि जी के वर्णन में स्वयंवर नहीं है। जब श्री राम ने धनुष चढ़ाया तब सीता से विवाह की इच्छा रखने वाले अन्य राजा वहां उपस्थित नहीं थे। और हाँ, उन राजाओं में कुछ राक्षस भी रहे थे
लेकिन रावण का नाम इस विषय में वाल्मीकि जी ने नहीं लिया है। अब रामायण के कई अन्य संस्करणों में ये घटना एक स्वयंवर के रूप में बताई गई है, और ये तो मानना पड़ेगा कि जब घमंडी रावण को शिवधनुष उठाते समय गिरते हुए दिखाया जाता है तब बड़ा मजा आता है। राजा जनक ने विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर दशरथ जी के लिए विनय युक्त निमंत्रण भेजा। मार्ग में 3 रात रुकते हुए चौथे दिन उनके दूत अयोध्या नगरी पहुंचे। आपको याद होगा, दशरथ जी ने कई दिन पहले राक्षसों से निपटने के खतरे से भरे कार्य के लिए अपने बेटों को भेजा था, इसलिए उन दोनों का शुभ समाचार और श्री राम का मिथिला में पराक्रम सुनकर दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी चतुरंगिणी सेना लेकर मिथिला आए। उनके साथ उनके मंत्री और पुरोहित भी थे। अनेक बहुमूल्य भेंट वस्तुएं भी लाई गई थीं। मिथिला में श्रीराम और सीता के विवाह के साथ ही दशरथ जी के अन्य पुत्रों का विवाह निश्चित हुआ। लक्ष्मण का सीता की बहन उर्मिला के साथ और भरत और शत्रुघ्न का राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ। देखने वाली बात है कि जब वशिष्ठ जी ने श्रीराम के कुल का परिचय राजा जनक को दिया तब उन्होंने ठीक कुल के पहले राजा इक्ष्वाकु से शुरुआत की। इक्ष्वाकु से राजा दशरथ तक 34 पीढ़ियों के बारे में उन्होंने बताया। उन्हीं में थे राजा सगर 15 नंबर पर, भगीरथ 19 पर और राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश हुआ, 21वें स्थान पर। उसके बाद राजा जनक की बारी आई अपने कुल का परिचय देने की। उन्होंने कुल के पहले राजा निमि से शुरुआत कर पूरे 23 राजाओं की सूची दी। निमि के पुत्र थे मिथि, जिनसे नगरी का नाम हुआ मिथिला। मिथि के बाद हुए पहले जनक राजा। प्रथमो जनको नाम जनकादप्युदावसु। पहले राजा जनक के पुत्र थे उदावसु। उदावसु के बाद नंदीवर्धन, सुकेतु और फिर देवरात, वही देवरात जिन्होंने शिवधनुष पाया। सोचने वाली बात है, एक ओर 23 राजाओं की सूची और दूसरी तरफ पूरे 34 पीढ़ियों का इतिहास। 34 पीढ़ियां यानी मान लीजिए 800 से भी अधिक वर्ष। जो लोग अभी भी आश्वस्त नहीं हैं कि रामायण वास्तविक है या काल्पनिक, वे इस बात पर विचार करें, 34 पीढ़ियों का वर्णन अगर इतिहास नहीं है तो इतिहास कहें किसे। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।